नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं लाइव टीवी समाचार। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों। किसान नेता राकेश टिकैत का आगमन फैजाबाद नगर के देवकाली क्षेत्र में लगभग 12 बजे हुआ, जहां पर किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं के द्वारा फूल माला पहनाकर स्वागत किया गया। उसके बाद जुलूस के रूप में गुलापाड़ी मैदान सभा स्थल पर उनको ले जाया गया। उन्होंने कहा 26 नवंबर को प्रदेश की राजधानी लखनऊ में किसान महापंचायत का ऐलान किया गया है, जिसमें प्रदेश के सभी जिलों से लगभग सभी गाँव के किसानों की भागीदारी होगी। महापंचायत में किसान हित से संबंधित सरकार की अनदेखी को उजागर कर नई रणनीति बनाने का काम किया जाएगा। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि 26 जनवरी को संविधान बचाओ दिवस मनाया जाएगा। उक्त बातें किसान नेता राकेश टिकैत ने गुलाबपाड़ी मैदान में किसानों को संबोधित करते हुए कही। वहीं कार्यक्रम को सफल बनाते हुए आए हुए कई लोगों के हाथों में खाने के लिए प्लेट लेकर दर दर भटकते देखा गया। बातचीत के दौरान आंदोलनकारियों ने बताया कि मैं पिछले कई घंटों से भोजन के लिए प्लेट लेकर इधर से उधर दौड़ रही हूं, लेकिन अभी तक खाना नसीब नहीं हुआ। फिलहाल क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट। आपको हमारे गांव के हैं, एक लोग सदस्य हैं, नाम जान रही हूँ उनका, क्या नाम है? चलिए, शिवराज नाम है। अच्छा, ये बताइए कि सुबह 10 बजे से आप लोग आई हैं, तो खाने का व्यवस्था यहाँ पे क्या है? और हम देख रहे हैं काफी देर से आप लोग प्लेट लेके यहाँ घूम रही हैं, तो क्या? अच्छा, जैसे किसी आप गांव में हैं अकेले, आपके ऊपर यदि 10 लोग घूम पड़ेंगे तो हम लोग क्या करें? वो कह रहे लाइन सीरियल वाइज है, हम सब लोगों को प्रसाद भोजन दे रहे हैं। तो व्यवस्था मतलब सही तरीके से नहीं किया गया है किसान यूनियन की तरफ, तो व्यवस्था होता तो शायद माता जी भूखी नहीं रहती। बात ये है ना, जैसे 10 लोग एक व्यवस्था कैसे भी हो, लेकिन 10 लोग अगर एक 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 व्यवस्था के ऊपर टूट पड़ेंगे तो क्या होगा? तो 10 मतलब व्यवस्था सही नहीं है, फिर मानिए ना ये चीज, मतलब व्यवस्था किसान यूनियन के द्वारा व्यवस्था सही नहीं किया गया। तो जनता तो जाएगी, आप लोग सुबह से आए तो क्या आप लोग को खाना नहीं चाहिए? तो आप भी तो जनता हो, आपको भोजन चाहिए। हाँ, तो वही आप बोल पुरानी